कि जब ये 2000 साल पहले जब गीता लिखी गई थी, उस समय लोग बहुत श्रमण परंपरा की तरफ जा रहे थे, वो वैरागी बन रहे थे, वो मुनि बन रहे थे, वो शादी ब्याह नहीं कर रहे थे, तपस्वी बन रहे थे, तो मतलब घर का जो दायित्व छोड़ रहे थे। तो गीता उसको काउंटर करने के लिए है कि आपको दुनियादारी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया के अंदर रह के भी वो शांति, वो सुख, वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, डे टू डे लिविंग में भी मिल सकता है। तो वो दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक है यज्ञ और एक है योग। यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, यज्ञ इज एक्सचेंज, बेसिकली रिलेशनशिप। लाइफ में आपको कुछ देना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो लाइफ यज्ञ है। जहाँ जो भी काम कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, ले रहे हो। योग का मतलब है कनेक्शन, सिंपल लैंग्वेज में अगर योग, वियोग का मतलब है डिसकनेक्शन, योग का मतलब है कनेक्शन। अभी कनेक्शन किसका? मेरा कनेक्शन आपके साथ, तो ये कनेक्शन है जैसे यज्ञ कहेंगे। मेरा कनेक्शन मेरे हृदय के साथ, मेरा कनेक्शन मेरे दिमाग के साथ, मेरा कनेक्शन मेरे आत्मा के साथ। तो बाहर कनेक्शन, अंदर कनेक्शन। अंदर जीवात्मा है, बाहर परमात्मा है। स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, व्हाई डू यू ब्रीद लाइक दिस, आपके गुस्से में ब्रेथ क्यों चेंज होता है, जब काम होते हो तो ब्रेथ क्यों चेंज होता है, मतलब अंदर एक माइंड है, उसको ठीक तरह से समझो। जब अपना माइंड समझोगे तो सामने वाला का माइंड भी तुमको समझ में आएगा। जब दूसरों के माइंड समझ में आएगा तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो ये इसलिए यज्ञ और योग की बात करते हैं। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में Now available at bookstores near you.